क्या बोले, जब जे ना झूठ बोल रहे हैं तो अब क्या कह सकते हैं। हाँ, ये इतने 3 साल आप इनके से साथ चलेंगी ना? इनके साथ चलेगी, जब ये लेने नहीं आए। पहली बात तो ये 3 साल हो गए ये लेने नहीं आए मुझे, और झूठा आरोप लगा रहे मेरे का 6 महीने के दिल्ली रखा है। अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भिंड में एक पति अपनी पत्नी की ऐसी शिकायत लेकर थाने पहुंचा, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। ये महिला और इसके साथ खड़ा है इसका दूसरा पति। पहले पति ने आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की कि उसकी पत्नी ने उसे बताए बिना भागकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। सबसे पहले सुनिए महिला और उसके नए पति का क्या कहना है। क्या बोले, जब जे इतना झूठ बोल रहे हैं तो अब क्या कह सकते हैं। हाँ, ये इतने 3 साल आप इनके साथ चलेंगी ना? इनके साथ चलेगी, जब ये लेने नहीं आए। पहली बात तो ये 3 साल हो गए ये लेने नहीं आए मुझे, और झूठा आरोप लगा रहे मेरे का 6 महीने के दिल्ली रखा है। बताओ, आपने इनकी पत्नी अपने पास रख ली है? अरे, हम तो राखी के अनुमति के अनुसार शादी की ना हमने तो सर। तो इनका कहना है कि आपने इनकी पत्नी रखी है? हमको तो जानते ही नहीं, हमको क्या मालूम। हम तो राखी के पास गए थे, इनके मम्मी पापा बोले हमारी लड़की शादी कर लो, हमने कर ली। तो राखी मर्जी से शादी हुई, पहले मंदिर से, फिर आपने पत्नी इनकी छुड़ा ली है? ले, हमने हम क्यों छुड़ाए, कोर्ट से शादी की हमने। हमारी तो कोर्ट से शादी हुई, पहले घर से हुई थी। फिर तो अभी इनकी इनकी पत्नी आपके साथ रह रही है ना? हमें पसंद नहीं है पत्नी, मैं तो राखी को जानता हूँ, हमें पसंद नहीं है वो। अब पुलिस से सुनिए आखिर ये पूरा मामला क्या है और कौन इसका गुनहगार है। ये मामला है धर्मन जाटव का, जो कि महगांव का रहने वाला है। उसकी शादी को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। राखी नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई थी 4 साल पहले। इसकी पत्नी 6-7 महीने इसके साथ रही है, उसके बाद इसके साथ नहीं रही वो, और इसकी पत्नी उसके साथ रहना भी नहीं चाहती है। और अभी इसको पता चला 1-2 महीने में कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। इस तरीके से तो वो पूरे कागज़ लेके आया है कि मेरी पत्नी की शादी हो गई है किसी दूसरे के यहाँ, और ऊपर से ये भरण पोषण भी इसको लगातार 3-4 साल से दे रहा था। इसकी पत्नी इसके साथ जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन चूंकि ये एक तरीके से फ्रॉड हुआ उसके साथ कि उसकी बिना तलाक, उसका तलाक भी नहीं हुआ, उसकी पत्नी ने उसके साथ दूसरी शादी कर ली, तो इस मामले को देख रहे हैं हम। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल हुए शख्स की मौत की सूचना पुलिस को दे दी गई। इसके बाद जब पुलिस घायल शख्स को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, तो वहां पोस्टमार्टम से ठीक पहले देखा कि उसकी सांसें चल रही हैं। जब इसकी जानकारी परिजनों को मिली तो परिवार में छाया मातम खुशी में बदल गया, और फौरन डॉक्टर ने आकर इस आदमी का चेकअप किया और इलाज के लिए दोबारा से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी का कहना है कि पहले उसकी सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन 7 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो फिर से इसकी सांसें चलने लगी। CMS का कहना है ऐसे मामले बहुत रेयर होते हैं। जब कभी कभी व्यक्ति को चोट लगती है और उसको दवाइयां दी जाती हैं, तो उसका असर बहुत देर बाद देखने को मिलता है। तब उसकी बेहोशी की वजह से लगता है उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दवा का असर होते ही उसकी सांसें चलना शुरू हो जाती हैं। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने खदान कर्मी की दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 2 साल की बच्ची के लिए इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इस बीमारी से सृष्टि को बचाने के लिए जॉलगेस्मा नाम का इंजेक्शन लगाना होगा, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इस बारे में कंपनी ने ट्वीट करते हुए बताया, CIL का मानना है कि इसके कर्मचारी और उनके परिवार ही इसकी असली संपत्ति हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित 2 साल की सृष्टि का इकलौता इलाज जॉलगेस्मा इंजेक्शन है, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपका में ओवरमैन का काम कर रहे सतीश कुमार रवि की बेटी हैं। कंपनी के इस कदम के बाद अब जल्द इस बच्ची का इलाज संभव हो पाएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज तक, जो अब आपके सामने एक नए अंदाज में पेश है। उम्मीद है ये नया अंदाज आपको पसंद आ रहा होगा। अपने सजेशंस कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें।